ये ऐसे लिया हमने, ऐसे लिया, ठीक है, दोनों पार्ट ऐसे लिया है हम। अब हम इसे ऐसे कटिंग करेंगे। और मैंने ज्यादा सीम्स नहीं लिया है पेन। ठीक है, ये हमारा कटिंग करना होगा। अब हम देखिए, ये बैक को हम पहले दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा दे चुका हूँ आप लोगों को फ्रेंड, ये एक था और ये एक है, और ये उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। ये इस तरीके से हमें कर लेना चाहिए पहले, ठीक है। ये है और इसको ये करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो फिर से मैं देख लूंगा फ्रेंड, ये ऊपर चला जाएगा और इसे ये उठाकर ये सीधा होकर ये इस तरफ आ जाएगा, तो ठीक है। हम सिर्फ नीचे करेंगे, बाद में दूसरा हम करेंगे। दोबारा करने से तो ये फ्रेंड, ये हम दोबारा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड, ये दोबारा करेंगे तो जब हम इसे उल्टाएंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इसे उल्टा कर लिया, कर रहा हूँ मैं, तो दिखता हूँ कैसे दिखे ये। तो ये देखिए, ठीक है, बहुत बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड ये। ये देखिए, ठीक है। अब हमें इसे ऐसे शेप देकर इसे एक स्टिच करना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, आपको ऐसे नाखून बिठाकर आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। अब इसको हम इस तरीके से जुड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे दोबारा स्टिच कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक पार्ट हमारा हो गया। तो फ्रेंड मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, ये अच्छा ठीक है, हम बाद में बता देंगे वो, ठीक है। पहले हम तो तैयार तो करें। ये बहुत सारा टेक्निक होता है और बहुत सारा मेथड में ये करा जाता है, तो मेरा दिमाग में ये आ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड। तो ये हम बाद में दिखाएंगे ये किस किस तरीके से हम दूसरा कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक इसका पार्ट क्या है हम देखेंगे। ये हम इसे 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 हम ऐसे करेंगे, ठीक है, और इसे हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो दोनों ठीक है, इस पार्ट को हम पहले आप लोगों को ले लूँ ये, ठीक है। जब ये दोनों पार्ट, ये देखिए हमारा जो सीधा साइड वो अंदर है और ऊपर में ये सिंपल सा साइड है, और फिर से एक ही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम इसे इस तरह भी हम ढाल देते हैं, ठीक है, स्टिच कर देते हैं इस तरह भी।
इसको भी हम करेंगे। तो दोबारा हम स्टिच करेंगे इसे। ठीक है, तो एक तरफ मैंने खुला रखा है फ्रेंड, ये उल्टाने के लिए। ये जब ऐसे करेंगे और आपको फ्रेंड इस तरफ जब हम एड कर देंगे एंड से, आपको थोड़ा सा इस तरह का से एक टाक देना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएगा। ठीक है, मैं भी हम देंगे। फिर से हम इसे उल्टाएंगे, ये देखिए। और इसका थिकनेस आप बहुत ज़्यादा भी कर सकती है आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। और ये पीटर पैन कॉलर को फ्रेंड और भी आप बहुत तरीके से आप कर सकती है आप, वो हम बाद में दिखाऊंगा। अगर आपको कोई भी पीटर कलर में कोई डिज़ाइन करने का हमें मौका मिला तो हम दिखा देंगे वो वीडियो में जी। डायरेक्ट हम इसे कैसे फिटिंग करते हैं आप इस तरीका से स्क्रू ड्राइवर लेके इसे कर सकती है आप। ठीक है, तो अब हम इसे फ्रेंड स्टिच करेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक कॉलर है। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, अब हमें फ्रेंड ये जो हमारा जो दूसरा जो तरीका मैंने आप लोगों को बोला था, जब हम इसे स्टिच करेंगे हम ऐसे नहीं करते हैं, तो ये देखा फ्रेंड, ये एक तरीका है। और हम इसके दोबारा अगर ऐसे हम स्टिच कर दे तो ऊपर में से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम वो टेक्निक हम दिखाएंगे आप लोगों को बाद में दिखाएंगे वो टेक्निक। तो पहले मैं सिंपल सा एक टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये जो मैंने जो स्टिच किया है ये एकदम सिंपल सा स्टिच है।
इसे हम जब ड्रेस में इस्तेमाल करते हैं, मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। हम ड्रेस में जब करते हैं इसे, तब ये साइड भी आपको पका दिख जाएगा और इसमें भी पका दिख जाएगा। इसे तरीके से हम ये इसको हम जुड़ते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो ये सिंपल सा एक पीटर दिखा रहा हूँ, पीटर पैन कॉलर को, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया है फ्रेंड। मगर बाद में अब मैं जब दिखाऊँगा तो इसको कैसे पका करते हैं हम, वो तरीका हम आप लोगों को सिखा देंगे, ठीक है। वो एक सिंपल सा एक टेक्निक है, वो हम आप लोगों को दिखा देंगे जी कैसे इसको पका करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको जब लॉक देंगे अब, ठीक है, इसको हम देखिए अब कैसे करते हैं। अब इस तरफ भी एक, और ये फ्रेंड मैंने अलग से लगाने के लिए सोचा है, इसलिए मैंने इस तरीका से किया है। और मैंने जब कुर्ती में ब्लाउज में अगर इसको लगाने की कोशिश करूँगा तब मैं क्या करना है फ्रेंड, तब इसको फ्रेंड हमें जब ब्लाउज और कुर्ती में डायरेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट इस पार्ट को डायरेक्ट हम लगाएंगे और बैक में इस पार्ट को हम डायरेक्ट लगाएंगे। इसके थोड़ा सा चेंज रहेगा, ये अटा रहेगा आपका शोल्डर से, मगर इसमें फ्रेंड ये शोल्डर में अटा नहीं रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जब करेंगे तो इसको पका कर देना चाहिए पहले ही, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर करेंगे तो दोनों तरफ आपको पका हो जाएगा, मगर इससे बढ़कर भी जो हम ब्लेजर में इस्तेमाल करते हैं जो टेक्निक वाला, वो इसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो हमने इस वीडियो में नहीं दिखा है, तो बाद में हम दिखा देंगे वो वीडियो। अगर वो वीडियो मैंने शुरू से ही आप लोगों को दिखा दिया तो आप लोग गलती वलती आपका हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो वीडियो हम बाद में दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा करना है, अगर हमारा नेक जितना है उसमें हम इस तरीके से लगाएंगे, मगर वो हम कैसे लगाएंगे आपको, वो भी अलग सा एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक भी हम आप लोगों को बाद में सिखाएंगे। फिलहाल आप तो आप लोग जानते हैं वो टेक्निक कैसे लगाता है, कॉलर कैसे लगाना होता है। अगर हमें जब वीडियो अपलोड करेंगे पीटर पैन कॉलर लेकर कोई कुर्ती वगैरह चीज़, तब हम दिखा देंगे कैसे ये कॉलर को हम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना ही से मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में फ्रेंड। तो देखिए, ये है हमारा पीटर पैन कॉलर हम कैसे तैयार करते हैं। अब हमें ये नेक मर चला जाएंगे डायरेक्ट, और बहुत सारा टेक्निक होता है जब हम डायरेक्ट हम दिखाएंगे पीटर पैन कॉलर से कोई डे, उसमें भी वो हम दिखा देंगे। तो चलिए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपका चैनल पर चला जाएगा। जो फ्रेंड घर में बैठकर मेरे वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं, आप लोगों से फिर से मैं थैंक्स कहूँगा। अभी इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।